हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप्पण में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले इन्फोसिस के शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, सबसे पहले ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि कैसा शेयर का फ्लो है मार्केट में, उसके बारे में जानेंगे पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं इसके बारे में जानेंगे। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्फोसिस की चार्ट मैं ओपन कर दिया हूं, तो जस्ट वेट, यहां पे देख सकते हैं इन्फोसिस की चार्ट ओपन है राइट नाउ 1498 रुपीस पे करेंटली ट्रेड कर रही है और किस तरीके से मार्केट में फ्लो बनाई हुई है आप लोग देख सकते हैं। मार्केट जो ओपन हुई थी बहुत ही ऊपर से ओपन हुई थी, फिर गिरावट उतार चढ़ाव लगातार मार्केट में था। अगर हम लोग यही चीज निफ्टी 50 में भी ध्यान दें, फोकस करें, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 पे जाता हूं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी उतार चढ़ाव आज के दिन देखने को मिली है। मतलब एक्सचेंज रेट को लेके बहुत सारी बातें चल रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आउट ऑफ इंडिया की जितनी भी मार्केट है वो सारी कितनी, वो सब इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट किसी किसी में 2%, यहाँ पे 1%, यहाँ पे भी अप्रोक्स 1% सबकी तेजी है। तो कल ज्यादातर चांसेस है, आपको फ्राइडे मार्केट इज चौपी मार्केट आप लोग को पता होगा, पर जिनको भी नहीं पता है तो बता देता हूँ, वो फ्राइडे मार्केट चौपी मार्केट है, उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस रहता है उतार चढ़ाव का। पर टेंशन लेने की बात नहीं थी, आज के दिन एक्सपायरी थी, कल बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि ऊपर जाते हुए मार्केट आपको दिख सकता है। यहाँ पे मेनली फोकस करें तो इन्फोसिस जैसे शेयर्स की, तो सबसे पहले हम लोग 1 ईयर का आ जाते हैं, तो 1 ईयर में देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा डाउन है। इतनी ज्यादा डाउन आने से आप लोगों को पैनिक नहीं होना, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि या इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं सारी जगह डाउन ट्रेंड फॉलो किए, अब अप ट्रेंड फॉलो करने आ रही है मार्केट में, ये चीज ध्यान देना है, अप ट्रेंड को फॉलो करने वाली है जल्दी ही मार्केट। यहाँ पे देख सकते हैं अप ट्रेंड को फॉलो कर सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ी भी ग्लीचेस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी इन्फोसिस, यहाँ पे 1 मंथ पे ध्यान दें तो 1 मंथ में देख सकते हैं तेजी बनते हुए दिखी। तो सबसे इसकी लास्ट ड्रॉप की बात करें, लास्ट ड्रॉप से अभी तक की तो 6.27, ऐसे हम लोग हाई तक की बात करें तो 8% तक की तेजी दिखते हुए मिली है। यहीं पर अगर हम लोग 5 डेज की बात करें तो 5 डेज में देख सकते हैं उतार चढ़ाव ऊपर नीचे थी, पर अभी पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात आता है। तो यस ऑफकोर्स अभी पैसा लगाना बहुत ही राइट टाइम है। यहाँ पे 52 वीक लो की बात करते हैं, देख सकते हैं 1300 मतलब 1400 ले सकते हैं ओवरव्यू, और यहां पे देख सकते हैं 1953 तक जाते हुए दिखी है। यहां पे ऑलमोस्ट आपको यहां पे 1500 पे ये टच करते हुए दिखी है। देखिए 500 टच यहां पे दिखाता हूं आप लोगों को, जस्ट मनी कंट्रोल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा या थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाता हूं वो चीज। तो यहां पे जो इन्फोसिस में देखने को मिला है मनी कंट्रोल मतलब 1500 ये टच करते हुए दिखी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे देख सकते हैं ओपन हुई थी 1520, हाई गई है 1520 और यहाँ पे लो गई है 1492, तो अच्छी खासी लो भी जाते हुए दिख गई है। पर अभी टाइम है, राइट नाउ प्लीज बाय इट एंड एंजॉय योर प्रॉफिट। अब यहाँ पे सबसे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो मेनली बात करना था मुझे कितनी ही ज्यादा होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है। तो यहाँ पे देख सकते 58.32% होल्डिंग्स बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा होल्डिंग्स है। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं TCS को लूँ तो यहाँ पे जस्ट मैं TCS बोलता हूँ, TCS की अगर हम लोग चार्ट पे ध्यान दें तो TCS या हाँ, तो TCS के चार्ट पे ध्यान दें तो यहाँ पे देख सकते हैं 3390 पे ट्रेड करें TCS जैसी स्टॉक, और यहाँ पे जस्ट आज के दिन कितना था 0.82% की तेजी देखने को मिली है। मार्केट में ये भी गिरी थी, बहुत ही ज़्यादा डाउन गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे ये शेयर किस पॉइंट पे आ चुकी थी। इनफैक्ट 52 वीक हाई की बात करें तो 4000 पे चल रही थी और लो की बात करते 3132। IT सेक्टर में सारे स्टॉक का यही इसी तरीके से हाल था, तो पर आप लोग को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं आपको बताने के लिए। तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मेनली अब फर्दर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो TCS में बनते हुए दिखा है, मतलब अच्छी खासी फ्लो रही है TCS जैसी स्टॉक में, और फर्दर आपको कैसा परफॉर्मेंस बनाते हुए भी दिखेगी। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग इन्फोसिस जैसे स्टॉक को लेकर बात करें तो सबसे पहले आप लोग आज के न्यूज सबके रिगार्डिंग बात है, तो यहाँ पे बुलिश टेक्निकल पार्ट में बोले तो बुलिश देखने को मिल रही है, और आप लोग को फर्दर कैसा फ्लो मिलेगा मार्केट को लेके, कैसा फ्लो मिलेगा ये चीज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी ग्लिचेस थी टैक्सेशन एंड ऑल लेके, तो वो सारी ग्लिचेस को क्लियर किया गया है इन्फोसिस की तरफ से और वेल मेंटेन तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है।
और यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर बात करें इन्फोसिस की जो नेक्स्ट टारगेट सबकी बात करें यहाँ पे, तो जस्ट वेट, मैं मनी कंट्रोल से ओपन कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर वे में मैं चार्ट समझा पाऊंगा जस्ट। या तो मैं मनी कंट्रोल से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कैसी फ्लो है मार्केट में। या तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में 52 वीक अगर लो की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेनली हम लोग ट्रेंड की यहाँ पे बात करें, ट्रेंड लाइन के बारे में बात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो जस्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लो बनाई थी जस्ट वेट, यस। सो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो इस पॉइंट से लेके, या तो इस पॉइंट को लेके, सॉरी ऑलमोस्ट आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। तो ये जो फ्लो नेक्स्ट जो क्रिएट करने वाली है दिस पॉइंट, या हाँ, सो ये जो क्रिएट करने वाली इस फ्लो को अगर हम लोग बात करें, तो अगर थोड़ी सी अगर ये अप ट्रेंड को अगर अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए दिखती है आपको यहाँ पे मार्केट में, तो ये आपको इस पॉइंट पे और थोड़ी डाउन जाते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट आ रहा है वो 1477, तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स अगर प्राइस रखे तो 1450 तक लेके चलते हैं सपोर्ट प्राइस, मेनली 1460 तक लेते लेके चलते हैं मेन फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट 1460 हम लोग लेके चलते हैं, तो जस्ट वेट। या तो हम लोग 60 तक पे आते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो एक सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट और इसके बाद भी एक सपोर्ट जो क्रिएट होती है उस पार्ट को भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो सेकंड सेकंड जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो मेनली मेन सपोर्ट है 1450, तो उस सपोर्ट को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। और जो नेक्स्ट ट्रेंड हाइक बनाने वाली है, तो नॉर्मल फर्स्ट हाइक की बात करें तो जो हम लोग फर्स्ट हाइक दिख सकती है मार्केट में वो कितनी ज़्यादा हो सकती है, 1500 से 1600 तक जाते हुए दिखेगी। यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड हाइक की बात करें तो उस ट्रेंड को मैच करने के लिए जस्ट फॉर मैचिंग 1550, मतलब 50 या 60 तक टच करते हुए आपको दिखेगी फर्स्ट हाइक को, उस ट्रेंड को मैच करते हुए। और जब हाइक बनाएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये करेक्ट ट्रेंड फॉलो कर रही है, कंसोलिडेट होते रहेगी वो मैटर करती है, कंसोलिडेट होना एक नॉर्मल पार्ट है, पर यहाँ पे उस पर एक हाइक बनाना तो उससे क्या मतलब निकलता है, जैसे आपको यहाँ पे जस्ट मेरे यहाँ पे माउस के कर्सर को समझिएगा, इस तरीके से कंसोलिडेट हो रही है। और यहाँ पे अगर एक हाइक बनाती है, जस्ट थोड़ा सा हाइक बनाती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रही है जस्ट एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक हाइक बनाई जो देख सकते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट से यहाँ पे हाइक बनाई, तो ये हाइक को हम लोग क्या बोलते हैं कि अब ये एक ट्रेंड फॉलो करने जा रही है। तो उस चीज़ को यहाँ पे देखने को मिला है और ये अच्छी खासी मूव भी होते हुए दिख रही है मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है शेयर्स के लिए कि शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे के मार्केट में दिखेगी। अब इन्फोसिस से लेके हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कैसी टारगेट देखने को मिल सकती है इन्फोसिस को, तो सबसे पहले आप लोग को मैं थंबनेल में ही दिखा रहा था 2000 का टारगेट, पिन डाउन में क्वेश्चन मार्क थी, तो मेनली जो ये मैटर करती है कि 2000 की टारगेट टच करते हुए दिख सकती है कि नहीं मार्केट में, तो ऑफकोर्स क्यों नहीं, ऑफकोर्स टच करते हुए आपको दिख सकती है मार्केट में, उस चीज़ को लेकर आप लोग को वर्डिड नहीं रहना है, आराम से आपको टच करते हुए दिखेगी। और आराम से आप लोग को जो फर्स्ट आपका मेन टारगेट है वो 1750 तक की है, तो आपको वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। अभी अगर आप लोग परचेस करते हैं तो 1750 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट की बात करें 1800, देन जो नेक्स्ट टारगेट रहेगी डायरेक्टली 2000 की रहेगी। पर उससे पहले जिन मतलब और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।